भारतीय जनता पार्टी री राष्ट्रीय कार्यकारिणी री बैठक हुई नवी दिल्ली में। राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित। 5 राज्य में होबनवाला विधानसभा चुनाव समेत कई महत्वजोगी मुद्दा में थे चर्चा। भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश भाजपा रा पदाधिकारी भी वर्चुअल रूप से भी शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई आला नेता रहा मौजूद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज नालंदा विश्वविद्यालय में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन रो करया उद्घाटन। कया भारत रा सगला धर्म देवे है शांति रो संदेश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपरा संसदीय हलका रा दौरा मा थे। राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगा सु कोरोना वैक्सीन लगवावन री करी अरज। कया कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीन ही कोरोना सु जीत रो है रस्तो। देश में अबे ताई 108 करोड़ सु बेसी। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है। अबे खबरा विगतवार। भारतीय जनता पार्टी री राष्ट्रीय कार्यकारिणी री बैठक आज नवी दिल्ली में राखी जी। बैठक में 5 राज्य में होबनवाला विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दा माथे चर्चा करी जी। साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित करी जिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करिया। बैठक की जानकारी देवता थका केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कया कि कोरोना काल में कई सकारात्मक कदम उठाई जिया। स्वदेशी वैक्सीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन कानिसू मान्यता मिली। वे कया के देश में 100 करोड़ से बेसी लोगों ने कोरोना रो टीको लगाई जियो जैसी दुनिया में भारत री साख बढ़गी। सामाजिक संगठनों को FCRA ग्रांट अनुमति नहीं थी, उनको वैश्विक स्तर में सिख विचार में धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की अनुदान मिलने में दिक्कत होती थी। हमारी सरकार ने उसकी सरलीकरण किया। आज ये बहुत दिनों की मांग समाज की थी, उसको पूरा किया गया। लंगरों को GST की सीमा से बाहर रखा गया है। पवित्र करतारपुर कॉरिडोर की मांग होते आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको पूरा करके सिख समाज की बहुआकांक्षी भावनात्मक मांग को पूरा किया है। समय आबादी के अंदर SIT गठन करवाना और उसकी रिपोर्ट को मानते हुए उसकी दोषियों को दंड दिलाने के काम पे एक्सपीडाइट किया गया है। ऑपोजिशन पार्टीज के ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर उन्हें उनका समय समय पर उनके रवैया और उनके रुख बदलना, पॉलिटिकल ऑपर्चुनिज्म के रास्ते पर चलते हुए वो उनके पोजीशन को इधर उधर करना और ट्विटर से ही उनके राजनीतिक काम करना, इन सब के ऊपर भी एग्जीक्यूटिव बहुत ही स्ट्रांगली पोजीशन लिए और कंडम किए कि कोरोना के समय सड़क पर नहीं दिखाई दिए मगर ट्विटर के द्वारा हर संकोच के माहौल पैदा करने के लिए ऑपोजिशन के रोल के ऊपर भी इस रेसोल्यूशन में है। और इस देश का जब प्रधानमंत्री जी इतना मेहनत करके इस देश का छवि को और इस देश के लिए अंदर हमारी देश में ही ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको लगातार वीकन करने के लिए ही ऑपोजिशन काम कर रहा है, ये भी स्पष्ट हमारे प्रस्ताव में आया है। फाइट इट आउट इन द कोर्ट, वी विल बी इन सपोर्ट ऑफ एवरी वर्कर ऑफ द पार्टी इन बंगाल। इन हिज स्पीच आल्सो पार्टी के अध्यक्ष जी नड्डा जी हैड वेरी क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ एंड व्हाट लेवल ऑफ वायलेंस, नॉट इवन लीविंग विमेन द वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस व्हिच हैज हैपेंड, ऑन व्हिच एवरी स्पीकर एंड आल्सो द पॉलिटिकल resolution has come out strongly saying we shall stand by every worker of the party, we shall seek justice through the court. From 2014 till today, under the leadership of Prime Minister Modi, a corruption free government is being given to the people of India. You know
by digitizing many things, whether it is Jan Dhan Yojana, Aadhaar, DBT, or the Digital India program. We have brought great transparency into the system. भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश भाजपा रा पदाधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से भाग ले रिया है। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय माते संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया, सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जसकौर मीणा समेत दूजा सदस्य भाग लियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता रा आधार माते पूरी दुनिया में पहले स्थान माते चुनी जो है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस संस्था कानिसों दुनिया भर रा नेतावारी लोकप्रियता रो सर्वे करवायो जावे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70% अप्रूवल रेटिंग रा आधार माते पहले स्थान मिलियो है। मेक्सिको रा राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ऑब्रादोर ने 66% अनुमोदन साथ दूसरो और इटली रा प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने 58% अनुमोदन साथ तीसरो स्थान मिलियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं की रेटिंग में शीर्ष पर हैं। 70% अनुमोदन के साथ वो रेटिंग सूची में सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। वर्ष 2019 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिलता रहा है। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ऑब्रादोर 66% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर 58% अनुमोदन के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं। 54% के साथ जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल चौथे पर और 47% के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पांचवें स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% के साथ छठे स्थान पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में नेताओं के लिए अनुमोदन रेटिंग आंकड़ा एकत्र किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कहा है कि भारत रा सगला धर्म शांति रो संदेश देवे है। आज नालंदा विश्वविद्यालय में छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन रो उद्घाटन करता था कहा वे कहा कि भारत हमेशा विश्व शांति रो पक्षधर रहो है। वे कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत री ऐतिहासिक धरोहर है। We must remember the vibrant sense of our interconnectedness, which informs our dharmic traditions, is the need of the hour. Dharma has been a pivotal and pervasive concept and overriding principle in relation to Indian culture and civilization. It has played an important and cardinal role in guiding and shaping our view of reality and way of life. So dharma covers every dimension of human existence and has been life-sustaining, life-regulating and life-enhancing force in our socio-cultural ethos. The notion of Dharma Dhamma in its multiple manifestations, including truth and non-violence, peace and harmony, humanness and spiritual linkages, and universal fraternity and peaceful coexistence, served as a moral compass that guided people in Indian subcontinent through the ages. It is this vital moral impulse that continue to shape and sustain our way of life. I am told that this international conference aims to focus on the essential identity among diverse dharmic traditions, having distinct characteristics and notable commonalities. I have been informed that the conference will have a ministers' panel of important people from different states here and also ministers from Sri Lanka. I am certain that the academic deliberations on various sub-themes of this conference over the 3 days will prove to be intellectually enriching and purposeful. I am glad to learn that more than 100 scholars from different parts of the world will present papers at this international conference. With such a vibrant intellectual environment structured to advance the frontiers of knowledge, I am sure that the Nalanda University will perform its role
as an emerging thought leader in the new world order. Universities must provide thoughts, must provide guidance, ideas to people in politics, to people in public life, to people in the academia, people in every walk of life for that matter. The universities should be the place where ideas can be shared and then can be passed on to other people. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपना संसदीय हलका रा गृहनगर कोटा जिला रा दौरा माथे है। लोकसभा अध्यक्ष आज अठे उम्मेद सिंह स्टेडियम में हो रिया राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। इन मौके वे कया के खेल माने तंदुरुस्त रखे है। ई प्रतियोगिता में प्रदेश रा सगला जिला सो कोई 650 एथलीट हिस्सों ले रिया है। पछे लोकसभा अध्यक्ष रामगंज मंडी कस्बा पुग्या अठे वे दिवाली मिलन समारोह में हिस्सों लियो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तिवारा रे दौरान कोरोना गाइडलाइंस री पालना री अरज करी है। मुख्यमंत्री ट्वीट करर कया के यूरोप रा देशा में कोरोना रा मामला में तेजी देखी जा रही है, वठे वैक्सीन नी लगवावन वाला लोग गंभीर स्थिति में है। मुख्यमंत्री लोगां सो कोरोना री दोनों वैक्सीन लगवावन और कोरोना गाइडलाइंस री पालना करण री अरज करी है। देश में कोविड टीकाकरण रो दायरो लगातार बढ़ रियो है। हाल तक 108,21,66,000 से 72 लोगों ने कोरोना रा टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 6,29,92,000 से बेसी लोगों ने कोरोना रो टीको लगायो जा चुको है। 4,26,18,000 से 72 लोगों ने पहली और 2,03,73,000 से 72 लोगों ने दोनों डोज दे दी गई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 108,21,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 28,40,000 से अधिक कोरोना टीके की खुराक दी गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,853 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,432 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.24% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,44,845 रह गई है। देश में कोरोना वायरस रा घटता मामला रे बीच स्वस्थ वैन री दर बढ़र 98.24% और सक्रिय मामला री दर घटर 0.42% वेगी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण सु अब तई 9,45,000 से बेसी लोग स्वस्थ वे चुक्या है। पूरा प्रदेश में काल सिर्फ जयपुर जिला में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिलियो। प्रदेश में सक्रिय मामला री गिनती कम होर 44 रह गई है। तेजा फाउंडेशन कानिसू आज जयपुर में ग्लोबल समिट 2021 राखी जियो। समारोह रा मुख्य अतिथि मेघालय रा राज्यपाल सत्यपाल मलिका। कार्यक्रम में जानिया मान्या वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर आर एस परोदा, ओलंपिक मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया, विजेंद्र सिंह समेत शिक्षाविद, साहित्यकार, वैज्ञानिक, उद्योगपति और समाज सेवी मौजूद हा। इन दौरान मेघालय रा राज्यपाल समाज रा पिछड़ा वर्ग ने शिक्षा और करसा ने नवाचारा रे जरिए खेती माथे जोर दियो। असली ताकत जो असली एम्पावरमेंट है वो एजुकेशन से होता है। एजुकेशन इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, तो तालीम आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। समझ में आने की बात है, अभी जिनको हमने इनाम दिए हैं तालीम में, ये कोई कलेक्टर हो जाएगा, कोई कमिश्नर हो जाएगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं सलामी ले रहा होगा, अदरवाइज संभव था क्या? बिल्कुल संभव नहीं। सिर्फ तालीम आपको, आपका सबसे बड़ा हथियार है तालीम, तो तालीम पे हमारे पूरे समाज को जोर देना चाहिए। जोधपुर और बाड़मेर बीच चलन वाली पैसेंजर ट्रेन आज सू फेर शुरू होगी है। कोविड के दौरान इन्हें की टाइम तई रद्द राखी जो ओ ट्रेन दोपहर 2 बजे जोधपुर सू बाड़मेर सारू रवाना वेली, बाड़मेर सू ओ ट्रेन रात 12 बजे जोधपुर सारू रवाना वेली।
जैसलमेरा रामगढ़रा तनोट रोड मार्ग मत है एक गाड़ी रे पलट जावन सु गाड़ी में सवार तीन लुगाया समेत पांच लुगारी मौका माते मौत वेगी। तनोट सड़क मार्ग मत है तेज रफ्तार सु जायरी कार बेकाबू होर पलट गई। पुलिस मौका माथे पूगर जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नरेट राजस्थान में बनी देशी शराब ब्रांडेड कंपनी री बोतल में भरनवाला गिरोह रो पर्दोफाश करियो है। पुलिस ई मामला में एक आरोपी ने गिरफ्तार करियो है। उनसु 18 पेटी नकली शराब बरामद करी जी। सिंधी बिरादरी मंडल जयपुर रा जवाहरनगर सेक्टर 3 कानीसु आज दिवाली स्नेह मिलन प्रतिभा सम्मान और पौधरोपण कार्यक्रम राखी जियो। कार्यक्रम में उल्लेख जो कार्य करण वाला लोगों ने मानित करी जियो। कार्यक्रम में सिंधी समाज रा गणमान्य लोग मौजूद हा। हम हर साल जो है दीपावली मिलन करते हैं विथ फैमिली, सारे परिवार को। अगर परिवार में कोई मेहमान भी आया है तो आप उनको अपने साथ लाएं, कोई भी घर पे मत छोड़ के आए। और ये एकता का एक विषय है, समाज में एकता बनी रहेगी। अगर हम एक साथ एक त्यौहार को मनाएंगे तो हमारे में समाज में एकता बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी, अभी भी है। गुरु महाराज की दया से सिंधी समाज आगे बढ़ता रहे। सर, प्रथम तो मैं आपके इस माध्यम से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज सेक्टर 3 जवाहर नगर जयपुर में सिंधी बिरादरी द्वारा दीपावली महोत्सव वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, उसकी मैं बहुत ही तारीफ करता हूं और सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल के बाद ऐसा एक परस्पर मिलने का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे आपस में ऐसा लगता है कि अब कोरोना हमारे बीच में नहीं है और खुशियाँ वापस से लौट के आ चुकी है। सर्व समाज अपने अपने दीपावली का त्यौहार बना रहा है, मिलन समारोह बना रहे हैं, ऐसा प्रेम परस्पर बना रहे, भगवान से यही आशा और दुआ करता हूँ। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अबुधाबी में खेलिया गया महत्वजोगी मुकाबला में अफगानिस्तान में न्यूजीलैंड रे समक्ष जीत वास्ते 125 रन रो लगस राख्यो है। अफगानिस्तान पहली बल्लेबाजी करता थका ते 20 ओवरा में 8 विकेट माथे 124 रन बनाया। अफगानिस्तान कानिसु नजीबुल्ला जादरान सबसु बेसी 48 गेंदा माथे 73 रन बनाया। दौसा में 28वीं फेडरेशन रो टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 रो आयोजन वेलो 17-19 नवंबर तई वैंड वाली ई प्रतियोगिता में देश भर री 22 टीमा हिस्सो लेवेला। सब तैयारियां हैं जो कि किसी आयोजन के लिए सफलता की आवश्यकता होती है, चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे खेल के मैदानों की व्यवस्था हो, चाहे इम्पार्शियल एम्पायरिंग की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन का पूरा सहयोग है, जनता का सहयोग। हम ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा जोश और उत्साह बढ़ाए। 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में काल सु शुरू वेली। प्रदेश भर रा कई राजकीय विद्यालयों रा छात्र छात्रावां इन खेला में भाग लेवेला। इन प्रतियोगिता में हैंडबॉल, कुश्ती, जूडो, वॉलीबॉल समेत कई मुकाबला वेला। माध्यमिक शिक्षा निदेशक संस्था प्रधाना ने इन वास्ते तैयारियां करण रा आदेश दिया है। आ प्रतियोगिता में 13 नवंबर तई चलेली। पश्चिमी विक्षोभ री वजह सु अरदेशरा उत्तरी इलाका में पड़ी बर्फ पछे प्रदेश में भी पारो गिरन लाग्यो है। मौसम विभाग रे मुजब सीकर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहो। ज्यादातर जगह न्यूनतम पारो 12-16 डिग्री सेल्सियस रे बीच रहो। मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश रा दक्षिण पूर्वी हिस्सा में ठंडी हवा वहां चल सकी है। कोरोना सु बचनो है तो माने वैक्सीनेशन करवानो वेलो। आइए आप भी शामिल हो जाइए कोरोना रा ई जन जागरण अभियान में।
ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना। ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं। ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं। शत्रु हो कोई भी हम झुके नहीं। दुश्मन के शस्त्र जो हो हजार, शत कोटि कवच से हम तैयार। मेरे भारत का ये विश्वास है, सबका साथ सबका प्रयास है। भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। शत कोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है। जो दे रहे 100 करोड़ को जीवन, उन हाथों को शत शत नमन। इस युद्ध में जो लड़ रहा वो हर सिपाही खास है। शत कोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है। इतिहास है। मेरे देश को विश्वास है, सबका साथ सबका प्रयास है। भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है। इतिहास करोड़ वैक्सीनेशन के साथ आज भारत लिख रहा एक नया इतिहास है। ये हमारा शत कोटि गर्व का एहसास है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर हूं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी नवी दिल्ली में। राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित। 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव समेत कई महत्वयोगी मुद्दा में थे चर्चा। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भाजपा का पदाधिकारी भी वर्चुअल रूप से भी शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई आला नेता रिया मौजूद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज नालंदा विश्वविद्यालय में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। कया भारत रा सगला धर्म देवे है शांति रो संदेश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपना संसदीय हलका रा दौरा मात है। राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवावन री करी अरज। कया कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीन ही कोरोना से जीत रो है रस्तो। इंद्र साथ यो समाचार बुलेटिन पूरा भी हो सा। नमस्कार।